एक्चुअली लिखिए जी, सवाल ये है कि डेली एक दिन ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जिस दिन बलात्कार की जो खबर है वो बंगाल में नहीं है, क्या कहेंगे हम महिला मुख्यमंत्री? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अगर रेप केसेस और महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है और आपके नंबर जो है पहले से परिवर्तित हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी से जुड़ा हुआ प्रश्न है और जुडिशरी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो दोनों जगहों को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप सुरक्षित माहौल महिलाओं को नहीं देंगे, तब तक महिला उत्पीड़न के जो केसेस हैं वो बढ़ते रहेंगे और कहीं ना कहीं वो एक बिखरते हुए समाज भी पैदावार है। और बिखरते हुए समाज में जब आपके यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन इतनी ज़बरदस्त है, कोई आके कुछ करके निकल भी जाए तो आपको पता नहीं चलता, जब यहाँ पे लोगों का सेंसस नहीं है, जब लोगों को अनजान में छुपने की आदत हो जाती है और वो अनजानापन शहरों में और बाकी जगहों पे मौजूद हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मुख्यतः पुलिस अथॉरिटीज़ को और बाद में जुडिशरी को तुरंत ऐसे केसेस पे कार्रवाई करके जो कल्प्रिट है उसको जेल भेजना और उस पे तुरंत सज़ा होना अनिवार्य हो जाता है। और उसी के बाद जब एक लंबे समय तक आप इसी तरीके का संदेश देते रहेंगे, तभी आप समाज में सही सुधार की बात कर सकते हैं। बंगाल में भाजपा की जो ज़मीन है वो बहुत कमज़ोर है, लेकिन क्या मोदी की हवा में कुछ सीट निकल सकती है, क्या लगता है आपको? 100%। और भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन कमज़ोर नहीं है, संगठन में कुछ कमज़ोरी ज़रूर आई थी। ये ज़मीन वो है जहाँ से श्रद्धेय हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और विवेकानंद जैसे जो चिन्ह हैं भारतीय संस्कृति के, सभ्यता के, उनकी उत्पत्ति जो है वो इस पुण्य भूमि से हुई है। ये वो भूमि है जहाँ पर धर्म के आधार पर जब बंगाल का बंटवारा हुआ था तो लोगों ने वंदे मातरम को कोई कम्युनल नारा नहीं कहा था, बल्कि सबने मिलकर गाया था। इस पुण्य भूमि से ही कमल खिलेगा, क्योंकि बहुत आसपास कीचड़ फैला है और उस कीचड़ के फैलने की वजह से कमल का खिलना भी निश्चित है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, अन्ना हजारे ने कहा है कि जो देश का अगला प्रधानमंत्री होगा वो ममता की तरह होना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी होंगे कि ममता बनर्जी होंगे, उन्होंने कुछ खास नहीं कहा लेकिन कहा कि ममता की तरह होना चाहिए। देखिए, ममता की तरह होना चाहिए का क्या मतलब? मतलब अन्ना जी को तो सब में अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं, और जाहिर सी बात है कि ममता जी में जो सादगी है और जो आम जनता के साथ वो जुड़ी रहती हैं और उनके बीच से वो निकली हुई एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल वर्कर से वो मुख्यमंत्री बनी है, तो वो तो नरेंद्र मोदी में भी हमें वही चीज़ें दिखाई देती हैं कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल वर्कर से एक अपनी मेहनत से ज़िंदगी में आगे बढ़े, बिल्कुल सादा जीवन जहाँ पे 12,000 रुपये कोई मुख्यमंत्री तनख्वाह पाता है, आपने शायद सोचा नहीं होगा, जिसके पर्सनल स्टाफ में 3 लोग रहते हैं जबकि 32 और सिवाय देश प्रेम के आगे और लोगों की सेवा के अलावा कोई मकसद नहीं है। तो ठीक है, अच्छाइयाँ सब तरफ होती हैं और अच्छाइयाँ जिसमें भी हों उनको रिकग्नाइज किया जाना चाहिए।